हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इसराइल के आयरन डोम के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही चर्चा का है विषय बना हुआ है। आपने सुना होगा न्यूज में, हर जगह अखबार में आजकल आयरन डोम की बहुत चर्चा है। तो आज जानते हैं कि आयरन डोम है क्या, व्हाट इज आयरन डोम। तो आयरन से तो आपको पता ही है, लोहा, डोम मतलब एक गुंबद। तो आयरन डोम एक्चुअली है क्या? आयरन डोम इसराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? आयरन डोम। तो एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है? जनरली एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं कि अगर आपके एरिया पर, यानी आपके देश पर, कोई और देश या कोई और मिलिटेंट्स क्या कर रहे हैं, हवाई हमला कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हमला हो सकता है, एक मे बी रॉकेट्स हो सकती है, मिसाइल्स हो सकती है, या बाई हेलीकॉप्टर्स या जेट से आपके ऊपर हमला हो सकता है, तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है, आपको उसकी पहले जानकारी देता है और आप काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। चाहे तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे कोई और अदर एक्शन आप ले सकते हैं। यानी आपके ऊपर जो हमला हो रहा है, एयर अटैक्स, आप उसको एयर में ही क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। सिंपल, एक सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो आपने पुराने जमाने में महाभारत या रामायण देखी है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट रामायण और महाभारत का ही लिया गया, या पुराने जो हमारे और भी चीजें हैं उनसे ही लिया गया है। आपने देखा होगा युद्ध में क्या होता था, एक आदमी इधर से तीर छोड़ता था, दूसरा आदमी सेम काउंटर मेजर उधर से छोड़ता होगा, है ना? जैसे आपने देखा महाभारत की बात की जाए या रामायण की, रावण ने एक तीर छोड़ा, कौन सा? आग वाला। यहां से भगवान राम ने क्या किया? पानी वाला तीर छोड़ा। दोनों आपस में टकराए और आग वाला तीर क्या हुआ? पानी के सामने बुझ गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। यहां पर क्या होता है, अब वो तीर वाला जमाना तो चले गया, तो यहां पर क्या है कि सपोज एक कंट्री ने मिसाइल छोड़ी, वो मिसाइल आपके एरिया पर, यानी आपके जमीन पर टकराने से पहले आपने क्या किया, एक मिसाइल और छोड़ दी, और वो मिसाइल आपस में टकरा के वही क्या हो गई, आसमान में ही नष्ट हो गई। इसको बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, राइट? तो ये है आपका एयर डिफेंस सिस्टम, किसका? इसराइल का। अब ये आज की डेट में 2021 में डे और नाइट, यानी दिन में और रात में दोनों में काम कर सकते हैं, इवन यानी डे कैमरा और नाइट कैमरा, दिन में भी देख सकते हैं रात में भी देख सकते हैं। कैसे, वो हम बाद में बात करते हैं। तो जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम है, एक्चुअली इसका नाम पहले था गोल्डन डोम। इसका जो नाम रखने वाले थे, जब इसके नाम की चर्चा चल रही थी, तो इसको नाम रख रहे थे गोल्डन डोम। इसके दो रीजन है, एक तो जो इसमें ब्रिगेडियर काम कर रहे थे उनका नाम था गोल्ड, राइट? इसाक गोल्ड करके था, तो उनके नाम से भी रखने की सोच रहे थे, लेकिन बाद में इसमें कुछ जो है सहमति नहीं बन पाई गोल्डन डोम के नाम से, तो इसको गोल्डन डोम ना करके क्या कर दिया, आयरन डोम कर दिया, राइट? अभी इसराइल पे, इसराइल के पास जो भी आधुनिक हथियार बन रहे हैं, जो भी इस टाइप के, वो इन्हीं को नाम देते आयरन के नाम से बनते हैं। अभी एक लेटेस्ट हथियार है इनके पास, आयरन बीम। ये लेजर वेपन है, बहुत ही खतरनाक है, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अभी चलते हैं आयरन डोम पे। तो जो आयरन डोम बना है, ये दो कंपनियों ने बनाया, एक तो राफेल और एक इसराइल एरोस्पेस। तो इसराइल एरोस्पेस तो हो गया इसराइल का, राइट? राफेल के बारे में आप सब जानते हैं, अभी हमने खुद ही राफेल जेट खरीदे हैं, है ना? तो राफेल क्या है? राफेल भी एक कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया हुआ है, आयरन डोम बनाया है, ठीक है? अब बात तो हो गई कि ये आयरन डोम है, लेकिन जो मेन चीज है, इसको बोलते हैं, इस आयरन डोम का जो मेन नाम है वो है सी रैम, राइट? आयरन डोम तो हमने क्या किया, देसी भाषा में नाम दे दिया, जैसे हम अपने यहां पे देते हैं ना, अर्जुन देते हैं, पृथ्वी हो गया, कौन सी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल, तो ये तो हमारा घरेलू नाम हो गया। तो वैसे इसराइल का घरेलू नाम क्या है, आयरन डोम, राइट? लेकिन एक्चुअली ये क्या है, इसको बोलते हैं सी रैम। सी रैम मतलब काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोर्टार, यानी रॉकेट आर्टिलरी और मोर्टार से बचने के लिए, काउंटर मेजर लेने के लिए बनाया गया सिस्टम, दैट इज सी रैम, ठीक है? तो ये तो हो गया सी रैम का। अब ये सी रैम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, यानी इसके कुछ पार्ट्स होंगे, तो बात करते हैं इनके पार्ट्स की। सबसे पहले
तीन पार्ट है इसमें, एक है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, यानी एक रडार है, ठीक है। और रडार का काम क्या होता है कि आपके एरिया में जो भी चीजें आपके एरिया में आ रही है, रडार क्या करता है उनको आपको आपके जो स्क्रीन होती है उस पर शो करता है, राइट, कि भाई आपके एरिया में यहां पर यह चीज कोई चीज घुस आई है। अब रडार क्या करता है, रडार सिर्फ आपको डिटेक्शन करता है, डिटेक्ट करता मतलब रडार को पता नहीं है कि वो मिसाइल घुसी है कि हेलीकॉप्टर घुसा है, क्या घुसा है। रडार का काम क्या है, सिर्फ इंटरसेप्ट करना, उस चीज को बताना कि यहां पे कुछ चीज है, क्या है उससे रडार को कोई मतलब नहीं है। उसके लिए क्या कर दिया गया है, देखने के लिए मैंने क्या बोला आपको, डे और नाइट विजन, यानी डे और नाइट कैमरे हैं, और डे और नाइट कैमरे की कैपेसिटी इट डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कुछ भी हो सकती है 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक भी रात में देख सकते हैं, और डे में तो जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी दूर से दिखाई देगा, राइट। तो इस ट्रैकिंग रडार का काम क्या है कि जो भी मिसाइल आर्टिलरी सेल जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसको आपको डिटेक्ट करके बताना है कि भाई आपके एरिया में ऐसी कोई चीज आ रही है। नंबर दो, इसके साथ इसको बोलते हैं WLR, वेपन लोकेटिंग रडार, राइट। क्या बोलते हैं, WLR, वेपन लोकेटिंग रडार। अब ये रडार एक और बहुत बढ़िया काम क्या करते हैं कि जब कोई रॉकेट आपके एरिया में आता है, यानी रडार की रेंज में आता है, तो ये रडार क्या करते हैं, उस रॉकेट का तो आपको बताते ही बताते हैं कि भाई एक रॉकेट आपके एरिया में घुस गया है। उससे बहुत बढ़िया काम ये करते हैं, ये करते हैं WLR, यानी वेपन लोकेटिंग रडार, यानी उस रॉकेट का प्रोजेक्टाइल निकाल के उसकी डिस्टेंस मेजर करके वो रॉकेट कहां से फायर हुआ, कौन सी जगह से फायर हुआ, उस जगह का भी आपको क्या दे देते हैं, डायमेंशन दे देते हैं, यानी वो जगह कहां पर है उस चीज की आपको क्या दे देते हैं, वो डायमेंशन दे देते हैं। तो ये तो काम हो गया किसका, WLR डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार का। सेकेंड पार्ट आता है वेपन कंट्रोल सिस्टम। सेकेंड पार्ट क्या है, वेपन कंट्रोल सिस्टम, या एक आप कह सकते हैं कमांड पोस्ट, राइट। अब जो भी डाटा आपको रडार ने दिया उसका जो बाकी का फीडबैक है वो कौन देता है, वेपन कंट्रोल सिस्टम, राइट। वेपन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, अपनी पूरी कैलकुलेशन करता है कि भाई कहां से ये रॉकेट आया, कितनी डिस्टेंस पे है और कहां से ये फायर हुआ था, इन सबको कैलकुलेट करके ये क्या करता है, लॉन्चर को देता है, राइट। लॉन्चर को देता है, क्योंकि अभी कहानी क्या होती है कि जब आप एक लॉन्चर एक आर्टिलरी सेल फायर करते हो तो उसपे क्या होता है, बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे विंड वेलोसिटी, एक सिंपल एग्जांपल कि भाई विंड वेलोसिटी है, हवा है, हवा किस तरफ से आ रही है, अगर हवा अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो वो क्या करेगी, जो आप काउंटर मेजर ले रहे हो, यानी जब आप किसी मिसाइल को फायर करोगे तो उसका अपोज करेगी, राइट। अगर हवा पीछे से आ रही है तो क्या करेगी, उसको और स्पीड में बढ़ाएगी। सेम हीट, उस एरिया में हीट का लेवल क्या है, उससे भी जो है मिसाइल में फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें कैलकुलेशन कौन करता है, आपका वेपन कंट्रोल सिस्टम। वेपन कंट्रोल सिस्टम सब कुछ कंप्यूट करके किसको देता है, लॉन्चर्स को देता है। अब लॉन्चर्स का काम क्या है, सीधा जो डाटा फीड किया उस प्रोजेक्टाइल के साथ, उस स्पीड के साथ सीधा क्या करते हैं, हिट होते हैं। और जो भी सपोज यहां से एक मिसाइल आ रही है, इस मिसाइल के साथ क्या होता है, टकराता है और इसको हवा में ही क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये है नॉर्मली एक इनका आयरन डोम का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें समझते हैं, ये एक रडार है, सपोज दैट ये इनका ट्रैकिंग रडार है। इस रडार ने क्या किया, किसी मिसाइल्स को या किसी रॉकेट को इंटरसेप्ट किया, डिटेक्ट किया, और उसका पूरा डाटा किसको दे दिया, वेपन कंट्रोल सिस्टम को दे दिया, राइट। वेपन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, इस डाटा को फीड करता है, और फीड करने के साथ साथ अपने डाटा को भी कंप्यूट करता है, यानी अपना डाटा मैंने आपको बताया, विंड वेलोसिटी हो गई, हीट हो गई, प्रोजेक्शन हो गया, सबको कंप्यूट करके एक फाइनल जो डिग्री है, यानी इस लॉन्चर को, फर्स्ट हो गया रडार, सेकेंड हो गया वेपन कंट्रोल सिस्टम, और थर्ड हो गया लॉन्चर। इस लॉन्चर में एक टाइम पे 20 मिसाइल फायर हो सकती है एट अ टाइम, राइट। तो ये क्या करता है, जो डाटा होता है किसको दे देता है, कंप्यूट करके लॉन्चर को दे देता है कि भाई आपको इतनी मिसाइल्स इस डिग्री पर
फायर करनी है, तो ये लॉन्चर क्या करेगा, एक साथ जितनी भी मिसाइल उसको बोली गई है, जितने टारगेट्स हैं उन टारगेट्स पे इसको फायर कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की। ये 2011 यानी नॉर्मली ये 2005 से बनना शुरू हुआ था, जो आयरन डोम है ये 2005 से बनना शुरू हुआ था, 2011 में आने के बाद इसके सही प्रैक्टिकल यूज हुए हैं। तो 2011 से लेकर अभी 2020 तक पहले 400 मिसाइल्स थी, यानी 400 मिसाइल्स को ये कवर कर सकता था। अभी 400 से कितनी हो गई, 1200 से लेकर 1600, यानी 2020 में इजराइल ने इसको क्या कर दिया और डेवलप कर दिया, राइट, मॉडिफाई कर दिया है। तो आज की डेट में इसकी जो एक्यूरेसी है आयरन डोम की वो है 90-95%। यानी जैसे अभी रिसेंटली हमास ने इसराइल पे हमला किया था, तो एज पर न्यूज बोला गया था कि हमास ने कितने 2000 मिसाइल्स या 2000 रॉकेट दागे, तो 2000 रॉकेट जब दागे तो मुश्किल से, जब इसकी एक्यूरेसी अगर 90-95% की बात करेंगे तो मतलब कितने गिरे होंगे लगा सकते हो आप, और उसके बाद गिरने के बाद भी रिहायशी इलाकों में कितने गिरे, एक मुद्दा यह भी होता है, क्योंकि अब ऐसा है कि कुछ इधर गिर गए कुछ कहीं और गिर गए, लेकिन जो रिहायशी इलाके जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे गिर रहे हैं। तो ये तो हो गई इसकी एक्यूरेसी। उसके बाद बात करते हैं रेंज की। जो आयरन डोम है ये मिनिमम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर तक भी, ठीक है, 70 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई मिसाइल या कोई रॉकेट आ रहा है तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। इस रेंज को अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 250 किलोमीटर तक पहुंचने वाला है। ठीक है, तो ये तो था नॉर्मली एक आयरन डोम का काम, यानी एक एयर डिफेंस सिस्टम का काम, नॉट ओनली आयरन डोम, एक एयर डिफेंस सिस्टम का काम। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम कहीं भी हो सकता है, ठीक है, चाहे इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाइना का हो, ये जो तीन पार्ट है ये तो होंगे होंगे, बस मेनली फर्क किस पे पड़ेगा, अपग्रेडेड मॉडल्स पे। तो बात कर रहे थे हम किसी भी देश के पास, चाहे कोई भी कंट्रीज हो, अगर उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है तो एयर डिफेंस सिस्टम में मेनली ये तीन चीजें होंगी, ठीक है, फर्क पड़ेगा सिर्फ अपग्रेडेड या अपग्रेडेशन का, यानी मॉडल्स का। अब हो सकता है किसी का सॉफ्टवेयर और ज्यादा फास्ट हो, किसी के रडार और ज्यादा दूर तक डिटेक्ट कर सकते हो। और बात करते हैं फिर कैमरों की, तो डे और नाइट कैमरे उसमें ऑलरेडी मैंने बोला लगे हुए हैं। अब एक फायदा और है, जैसे बोलते हैं जामिंग की, तो डे और नाइट कैमरे का काम क्या है कि अगर बाय चांस रडार को, यानी जो रडार मतलब रेडियो सिग्नल्स है, अगर इनको कोई जाम कर ले, ठीक है, अगर ये जाम हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या है, डे और नाइट कैमरे हैं वो काम आ सकते हैं, या वो काम आते हैं एक्चुअली। अगर आप किसी भी तरह से इन रडार्स को जाम कर लो तो फिर क्या होता है, उसमें अल्टरनेटली डे और नाइट कैमरा आपके काम आते हैं। तो ये था एक आयरन डोम में एक एयर डिफेंस सिस्टम का काम। अब कहानी वही हो गई, हमास ने कर दिया गधे वाला काम, जिसके पास इतना अच्छा आयरन डोम सिस्टम है उस पर 2000 रॉकेट दागे, और बदले में क्या मिला, उसने सारे के सारे मैक्सिमम जो रॉकेट्स थे उनके या जो शेल्स थे उनको क्या कर दिया, हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया, और दोबारा हमास पे फिर अटैक कर दिया। बाद में रिजल्ट दुनिया भर में क्या हो गया, रोना पड़ गया कि भाई इसराइल ने मार दिया, इसराइल ने मार दिया। तो जो अभी रिसेंटली 2021 में जो ऑपरेशन चला था हमास के खिलाफ, जो इसराइल ने अटैक किया था या अपने को बचाया था, उसको इन्होंने क्या नाम दिया था, द गार्जियन ऑफ वॉल्स। इस ऑपरेशन का, अब इसको लड़ाई तो बोल नहीं सकते, एक ऑपरेशन ही था, तो इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया था इसराइल ने, द गार्जियन ऑफ वॉल्स। तो ये था इसराइल का एक आयरन डोम या एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इसराइल के एक और खतरनाक हथियार के बारे में, जिसका नाम है आयरन बीम, जो कि आज की डेट में सबसे खतरनाक वेपन्स में है। हालांकि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इन वेपन्स को मना करने वाली है, या मना कर चुकी है ऑलरेडी, बट फिर भी चोरी छुपे जो देश हैं इन पे क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आयरन बीम के बारे में, कि आयरन बीम है क्या। ओके, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।